सब मास्क लगा लो भाई, मास्क लगा लो भाई। थोड़ा सा भाई आप लोग पीछे का लग जाएंगे, पीछे हो, पीछे हो। उसके चलते हम लोग डीएम ऑफिस गए अपना मेमोरेंडम देने के लिए। हमारा मेमोरेंडम लेने के लिए शर्मा बाहर ले गए, उन्होंने चपरासी को बाहर भेजा तो आप मेमोरेंडम लीजिए। हम लोग अपने सीट पर रहे, आप मेमोरेंडम लेने नहीं आए। आज से चार दिन पहले करैली थाने में हमारे लोग करैली थाने में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक वहां मौजूद थे। कहा गया FIR लिखी जाए, उन्होंने FIR नहीं लिखी। किस बिना पर नहीं लिखी, उन्होंने कहा कि हमारे बड़े अधिकारी नहीं रुक जा, बात हम तब तक FIR नहीं लिखे। एक शख्स का आवाज देकर बना जो किसी धर्म का धर्म गुरु है, ऑल इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में बैठ कर किसी के धर्म के मजहब के पैगंबर को गंदी गालियों का इस्तेमाल करें, उसके खिलाफ हम आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर अभी यही मुसलमान किसी गैर मुसलमान के धर्म गुरु को कुछ बोल देता तो उसके घर से उसको निकाल कर उसको कत्ल भी कर दिया जाता और कोई याद नहीं आता और जिहादी आतंकवादी करार देते। हम अपना सर नहीं कटवा देंगे सर, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगी, उसके खिलाफ आपने एक्शन नहीं लिया, तो हम अपने घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। मेरा नबी मेरी अजमत है, मर जाएंगे उनके लिए। मेरा नबी हमारी जान है, बेशक बेशक हम मर जाएंगे। आप हमारी भैया रुक जाओ, आप यहाँ जितने मुसलमान खड़े हैं सर, आप सबकी जान मांगिए, हम लिख कर देंगे आपको, दे देंगे। बात आएगी तो हम खामोश नहीं रहेंगे। आप जेल से मुसलमान को भर दीजिए, लेकिन जब कोई भी कोई बदबخت मुसलमान के नबी के खिलाफ एक आवाज भी उठाए तो उसके फांसी के तख्ते बेशक हम अपनी आवाज उठाते हैं यहाँ से। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं है सर, हम अपनी हक की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें थाने में डाल देते हैं, आप हमारे पर FIR कर देते हैं, आप हमारे ऊपर मुकदमे लाते हैं, हमें जेल भेज दिया जाता है। हमें अपनी आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं है, लेकिन कोई गैर आता है तो उसको मावा दिया जाता है, उसको सिक्योरिटी दी जा रही है, उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। वो खुलेआम कह रहा है कि मेरा खात्मा तब होगा जब इस्लाम को मैं खत्म कर लूंगा। उसकी इतनी हिम्मत खत्म हो जाएगी, नस्ल खत्म कर देंगे उसकी। हम अपनी जान देने को तैयार है, आप अभी मांगिए, हम अभी अपने सर पे गोली खाने को तैयार है। आप जो कहिए हम गर्दन काट कर अपनी रख देंगे, लेकिन अपनी नबी की अजमत से सौदा नहीं करेंगे। हमारे नबी हमारी जान है, इसके अंदर कोई कानून नहीं, कोई ना कानून। आप हमको बोलिए जो बोलना है, हमको खड़ा करके आप चौराहे पे 100 फोड़ा मारिए, खुशी खुशी खा लेंगे। ये कह दीजिए अगर तुम्हारे नबी को मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम 100 फोड़ा खाओ। हमारे पास मेमोरेंडम मौजूद है, एक सेकंड रुक जाइए, हमारे पास मौजूद है, हमने FIR कराई, किस पर कुछ नहीं हुआ था, हम ये अभी देंगे भी नहीं, हमको FIR चाहिए। एक FIR उसके नाम पे हम लोग करवा दीजिए, इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे बड़ी सर, हर सिटी में कोर्ट उसको मर्ज कर सकती है ना। अच्छा पता कैसे चलेगा कहाँ से कौन बोल रहा है, इसका इफेक्ट भी पड़ता है ना सर। अगर ये सर अंदर से भी जाएगी एक FIR तो जीवित और इफेक्ट पड़ेगा ना सर। ये सारी एफ आई आर ये कोर्ट जो है सबको मर्ज कर लेगी, सबको एक कर लेगी पूरी FIR। सर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर? बिल्कुल राइट, पहला क्वेश्चन ये है। एक सेकंड, मोबाइल का हमारा मोबाइल मोबाइल दे, आपको मैं चीज दिखाता हूँ। अपने प्रोफाइल पर उसने लिख कर रखा मुझे बहुत ज्यादा बता दे, 31 से बाद ज्यादा मैं जेल चार्ज भाई बात कर लेंगे भाई। सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, FIR जो है दिल्ली
महाराष्ट्र में भी हुई है, यहाँ भी होगी, हमारी बात यहाँ भी एफ आई आर पुलिस नहीं करती, उसके लिए कानून होगा और हम अप्लाई कर रहे हैं साथियों मेरी बात सुनिए, भाई भाई मेरी बात सुन लीजिए, कई लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, मेरी बात आप लोग सुन भी रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। मैं सबके सामने सार्वजनिक रूप से बात कर रहा हूँ, अधिवक्ता बंधु आपके बगल में है, आपके साथी हैं, हमारे भी साथी हैं, आप भी हमारे साथी हो, परिवार के हो। अगर कोई घटना होती है जो आप बता रहे हैं, इस संबंध में किसी भी प्रकार की एक एफ आई आर मौजूद, कोई हत्या हुई एक, कोई चोरी लूट होती है एक, कोई बेइज्जती होती है बदनामी की जाती है एक, जब आप जैसा कि आप लोग खुद बता रहे हैं और आप जानते हैं कि एफ आई आर के लाभ है, आप जानते हैं, आप ही लोगों के माध्यम से मुझे भी बताया गया कि एफ आई आर लाभ, मैं आपसे यह अनुरोध करूँगा कि आप अपना पत्र जिलाधिकारी और जिस भी अधिकारी के नाम या प्रशासनिक या राजनीतिक किसी भी व्यक्ति के नाम से अधिकारी के नाम आप देना चाहते हैं, आप अपना पत्र रखें, हम उसको जांच में सम्मिलित कराएंगे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब सक्षम अधिकारी हैं, ये जांच करा लेंगे। एक चीज़ एक बार आप सभी लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ठीक है, अपना दर्ज है, आप अपनी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, कहना लेकिन कानून को भी समझना है कि एक ही तैयार होती है, दो दो चौथी एफ आई आर नहीं है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप बैठ के अपना पत्रक बनाए हैं, जैसा कि भाई ने कहा, आप अपना पत्रक दें और हम सर हैं उसके अपने स्तर से इंक्वायरी भी करा लेंगे। अगर एफ आई आर नहीं इलाज है कहीं पर तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, एक प्रखंड सर एक एफ आई आर, अब सब लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान है, अधिवक्ता बंधु है, तो गलत कह रहे हैं, खुद बताएं जी, एक एफ आई आर हो गई, एक लाख एफ आई आर बंच हो जाती है सर, एफ आई आर कार्रवाई की बात ही रोजगार आप एकदम Thank you.
प्रोग्राम किया कोई नहीं।
इंदौर में मुनव्वर फारूकी नाम के लड़के को दो दिन में अरेस्ट कर लिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि उसने एक जो है भगवान के खिलाफ शायद जोक बनाया तो जो करा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और नरसिंह आनंद जो है प्रेस क्लब में बैठ कर वो नहीं हो रहा प्रेस क्लब में बैठ कर ना उसे रिसालत पे बदतमीजी करता है एक स्पीच देता है और हम बर्दाश्त करेंगे। हमारी इतनी गैरत अभी मरी नहीं है कि नामे निशारत के लिए हम अपनी जान ना दे सके। हम चाहते हैं अमल में करके दिखला के बताएंगे मर जाएंगे लेकिन वो काम है जितने किसान ये चीज ना होने देंगे खत्म करा जाके जो ये कर रहे हैं मरना होगा मर जाएंगे ये सब चीजें बता देंगे। Come on!
चुका है वो उधर चुकी होगी।